साचो प्रेम प्रभु स्नेहो तो मूर्ति बोले काठ की। सारी बात का अर्थ ये साचो सत्यम परम धीमहि। इतनी कहानी आपको एक शब्द के लिए सुनाई कथा हमने। साचो प्रेम प्रभु में हो तो सत्यम परम। मूर्ति बोले काठ की। जीमो मारो श्याम घनी जिमावे बेटी जात। ये तो सामने मूर्ति तो है, विग्रही तो मूर्ति तो है, मूर्ति तो है। ठाकुर जी की भाषा समझो, अपने मूर्ति का स्वरूप समझो, वो क्या कहना चाह रहा है वो समझो। महाराज प्रेम का अर्थ है भोला हो जाना, बड़ा भोला हो जाना। क्योंकि किसी ने सुंदर बात कही है, क्या चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। ध्यान से सुनना भैया, चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए। भोले भाले लोगन को मेरो नारायण मिल जा। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को राधा रमण मिल। ये सुंदर सुंदर स्पष्ट बात है। क्या थाली भर के लाई रखी छड़ो, ऊपर घी की बाटड़ी। जी में मारो श्याम घनो जिमावे बेटी जाट। साची मानो, सत्य मानो, तभी तो व्यास कह रहे हैं सत्यों परो। ठाकुर जी कौन है? परम सत्य। कर्मा ने मूर्ति को मूर्ति नहीं माना। हम चलते फिरते लोगों को सच मानते हैं और खुद ही तो मानते हैं। ये तो सामने मूर्ति तो है, विग्रही तो मूर्ति तो है, मूर्ति तो है, पर बात उल्टी है। अरे सब असली ये नकली, ऐसा नहीं है, सब नकली ये असली। साचो श्री राधे, साचो इक राधा रमन, और झूठो सब साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्ति बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो ये काठ की बनी मूर्ति भी बात करेगी। महाराज करेगी करेगी, होता ही है महाराज, क्यों नहीं। एक एक छोटा बच्चा जब बोलता है सब समझ पाते, मैया समझ लेती है, इसको भूख लग रही है, इसको नींद आ रही है, उसकी भाषा अपनी है ना। कोई पशुओं को बहुत संभालता, गौशाला का ग्वाला हो, ग्वाला उसके लक्ष्य, अरे लगता है महाराज हमारी गौशाला में एक ग्वाला है वहां, वो दो दिन पहले ही, अब तो नहीं रहा, पहले था, वो दो दिन पहले ही बता देता था या के लक्षण दिख रहे हैं महाराज, ये गैया कह रही है दो दिन बाद ही ये बछड़ा को जन्म दे देगी। वो अपने आप कह देती है बछड़ा हुए वालों है कि बछिया हुए वाली है, क्योंकि सेवा कर करके लक्षणन को देख देख के ऐसा अपने आप पतो चल गो। जो खूब पेड़ लगावे, वृक्षण की सेवा करे, वृक्षण की बोली सीख ले वे महाराज, ये कहना चाह रहे हैं। या और जल दो, ये और सूख रो है। भाषा है ना भैया, ठाकुर जी चतुराई की भाषा न जाने, ठाकुर जी तो प्रीति की भाषा जाने। इसलिए तो कहा साचो प्रेम प्रभु में हो तो
मूर्ति बोले काठ की, जीमो मारो शाम घणी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रखी चिड़ो, ऊपर घी की बाटड़ी, जी में मारो शाम घणी, जिमावे बेटी जाट की। जी में मारो शाम घणी, जिमावे बेटी जाट की। एक बार बोलिए जय जय श्री राधे। भैया सत्यम परम धीर, ऐसे भगवान का परम सत्य मानकर ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो। ठाकुर जी की भाषा समझो, अपने मूर्ति का स्वरूप समझो, वो क्या कहना चाह रहा है वो समझो। महाराज राधारमण लाल हर मुकुट, हर माला, हर मणि, हर लकुट, बंशी, उसकी हिलन, पहनन, डोलन, सबसे कुछ कहते हैं महाराज। भाषा आ गई तो समझ में आ जाएगी, भाषा आ गई तो समझ आ जाएगी, बिल्कुल समझ आ जाएगी। थोड़े दिन पहले सेवा की बात थी, हम लोग सेवा में गए तो ओलाई के लिए ठाकुर जी की एक पोशाक, सर्दी के टाइम पे गाउन सो पहने वो लेके गए कि ये पहनाएंगे। और जब बाहर हो रहा ओलाई की शुरुआत होनी, संध्या आरती से पहले एक जगह स्थान पे धरो, पर एक दूसरो पीले रंग को ठाकुर जी को एक वस्त्र। हम जावे भैया तो वहां अंदर जो धरवे को स्थान है वो फिर नीचे गिर जावे, उसको ऊपर धर दियो और लगा दी तय, और ये वालों पहनानो है निश्चित कर दियो। 15 मिनट बाद हम गए वो फिर नीचे गिर गो, फिर गए फिर नी, फिर दूसरे गुसाई जी गए फिर नीचे गिर गयो। 4-5 बार 1.5-2 घंटा में जब ये दिखो तो तुरंत मन में एक बात आई, गिर ना रो, ठाकुर खींच के बता रो है, आज हमें ये पहनवे की इच्छा है महाराज, ये पहनवे। तो दूसरे गोसाई जी बोले ना वो अब नयो आयो है वो ही पहनाओ। अब महाराज वो दूसरो पहनावन लगे। अब आनंद की बात ये, माला जी जो आई, आभूषण जो आए, वो सब पीले रंग वाले ते मैच कर रही। एक बार डारवी के बाद वो भी बोले, बोले साची बात है, राधारमण लाल वो ही पहनना चाह रहे हो। और फिर जब पीत रंग को पहनायो और सिंपल सो श्रृंगार कियो तो ऐसी शोभा ढाई, ऐसी शोभा ढाई कि मानो पहन के चाव करके ठाकुर जी ने या वस्त्र को धारण करवे की इच्छा की है महाराज। ये प्रेम की भाषा है, इसलिए साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्ति बोले काठ की। सारी बात का अर्थ ये, साचो सत्यम परम धीमहि। इतनी कहानी आपको एक शब्द के लिए सुनाई कथा हमने, साचो प्रेम प्रभु में हो तो सत्यम परम, मूर्ति बोले काठ की, जीमो मारो श्याम घणी, जिमावे बेटी जात। ऐसे श्री ठाकुर जी सच्चो प्रेम है जाएगो तो ठाकुर जी अपनी अनन्य अनुभूति आपके हृदय में प्रदान करेंगे। सच्चा प्रेम कब हो सकता है, साचो प्रेम कब हो सकता है, जब मन बिल्कुल निर्मल हो जाए। महाराज सच्चाई का मतलब क्या है, झूठाई नहीं है, बात समझना, बात समझना। गैया के थनंते दूध निकलो, ये दूध साचो है, जैसो दूध निकलो वैसो ही बाल्टी में भरो, वैसो ही ग्वाला घर लायो, वैसो ही अग्नि पे चढ़ायो, वैसो ही सिद्ध करके भोग लगायो और वैसो ही पायो, तो कोई मिलावट नहीं है। परंतु
साचो दूध साचो नहीं रहो जिस क्षण वा दूध में पानी मिला दियो। इतनो सुई तो है, प्रेम तो साचे ही है, पर जब हमारे मन में भर रहे कामनाओं का पानी उस ठाकुर जी के प्रेम के दूध में मिल जाता है। जब आग पर रखो तो पहले पानी जलता है, इसलिए तो ठाकुर जी पहले कामनाएं पूरी करते रहते हैं, प्रेम की तो बात ही नहीं आ पाती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। यही साचो प्रेम है सत्यम परम, और उससे धीमही ठाकुर जी को ध्यान करो तो ठाकुर खड़ो ना दिखेगो। अभी हम मंदिर में जाएं तो भगवान खड़े दिखते हैं, और लोग दौड़ते भागते घुसते निकलते हटाते हटते दिखते हैं, पर जिस दिन साचो प्रेम प्रभु में हो तो मेले में अकेले है जाओगे महाराज, भीड़ में को और ना दिखेगो। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णु, खेर तो डोर तो हिर तो घूम तो खेल तो चल तो हमारो श्री राधा रमण लाल। आहा हा हा। लोग कह रहे हैं इन दिनों वृंदावन में बहुत भीड़ है। मैं आपसे एक ईमानदारी की बात कहूं, मैंने श्री राधा रमण मंदिर में है भीड़ ऐसे देखो, पर अगर गहरी बात कहूं तो मैंने श्री राधा रमण मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ का अनुभव किया, भीड़ का तो वो किया जब कोविड के समय में ठाकुर जी की सेवा की थी महाराज। आपको ये कैसे हो सकता है? मैं आपको सत्य कह रहा हूं, लोग तो आ नहीं सकते थे, 5 से ज्यादा मंदिर में घुस भी नहीं सकते थे, दर्शन के पट बंद थे, पर हमको राधा रमन जी की जब सेवा का अवसर बना, हर बार तो हम ठाकुर जी को बंगला ही सजाते, जगमोहन सजाते, जब तो पूरे प्रांगण में सजावट करवे को अवसर बनो, जहाँ से लोग दर्शन करें वहाँ भी बंगले लगे, वहाँ भी ऐसी भावना, और एक दिन का आप दर्शन करना, मैं कहूँगा बालकों को यहाँ दिखा में एक दिन भाव बना, ठीक जहाँ आप लोग खड़े होकर दर्शन करते हैं वहाँ विशाल श्री भोलेनाथ का दिव्य शिवलिंग स्थापित हुआ कि आज भोलेनाथ राधा रमण जी का दर्शन करने आए हैं। एक दिन षडगो, मैं आपसे निवेदन करूँ, अंदर सेवा करते करते एक बिल्कुल पवित्र व्यासपीठ से बैठा हूँ, कोई असत्य भाषण करना अधर्म हो जाएगा, एक क्षण भी अनुभव नहीं हुआ कि हम अकेले राधा रमण जी की सेवा कर रहे हैं। रोज अनुभव होता था कि आज कौन सा सिद्ध महापुरुष आया है, आज कौन सा संत आया है, इस देह से परे रहने वाला कौन सिद्ध देह का भजनानंदी रसिक आया है, कौन सा देवता आया है, कौन सा साधगण आया है, कौन से योगेश्वर चल के आए हैं। अरे रोज तो आते भक्त दिखते थे, उस 10-12 दिन में आते स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का दर्शन होता।